देखो ये मसला यह हैगा कि 2014 दे विच ये स्वर्ण सलारिये के खिलाफ एक कामनी कौशल नाम की लड़की ने एक रेप का केस उन्हां दे खिलाफ कीता सीगा और उन्हां दे खिलाफ 376 506 और 420 दे जिहड़े परचा दर्ज हो गया सीगा। उस तो बाद उन्होंने अपने जिहड़े है जिहड़े इन्ना पैसे दे जोर दे उपर इन्वेस्टिगेशन दे विच उन्होंने काफ़ी जो कीता हैगा ते उहदे विच 376 जिहड़ी रेप वाला और 420 वाला उहदे चों उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चों कढ़वा लिया, लेकिन 506 का केस जिहड़ा हैगा क्रिमिनल इंटीमिडेशन का वो चार्जशीट फाइल हो गई सी। इन्होंने जिहड़ा अपना एफीडेविट फाइल किया है, एफीडेविट च किते भी जिक्र नहीं किया कि साढ़े मेरे खिलाफ कोई भी केस है। हुण उहदे विच जिहड़ा भी और एफीडेविट आ नाल है जी एफीडेविट है ये उन्होंने क्लीयर सारे थावां ते निल 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 ये किया है। ये बिल्कुल जी एक कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स हैगी है और ये बड़ा क्लीयर है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लीयर हैगी है। एक आसाम हाई कोर्ट का एक कैंडीडेट सी बीजेपी का, उन्हें MBA की डिग्री झूठी लाई सी, उहदी भी उन्होंने कैंडीडेट रद्द कर दिया गया सीगा। इन्हें तो अपना एक रेप का केस 506 का केस जिहड़ा उहदे खिलाफ चल रहा है वो भी डिस्कलोज़ नहीं किया। ये एक बिल्कुल जड़ा है एक गलत गल हैगी है, वो कैंडीडेट रद्द होना चाहिए है। दूसरा अज असी जो डाउनलोड किया है ये हाई कोर्ट की जी वैबसाइट है वो असी डाउनलोड किया है, इन्होंने खुद जड़ा है वो किया है फाइल किया हो 376 420 और 506 का FIR क्वेश्चन का ये है और तरीक 30 अक्टूबर की हैगी है। यदा मतलब इन्हों के केस जोड़ा है वो सारा कुछ इस वे चल रहा है और इन्होंने जी एफीडेविट फाइल किया वो बिल्कुल झूठा है। वो कहते असं इनू प्रॉपर असं इनू इन्वेस्टिगेट करा और जो बनती कार्रवाई असं करा असी मांग करते हैं कि इन्हों की जी कैंडीडेचर है रद्द कर होना चाहिए है। हमने पता ही है तू तीन चार मिनट पहला एक डेलीगेशन आया थी कांग्रेस के, उन्होंने एक कंप्लेंट दिखी है नाल इन्हों जो मिस्टर स्वर्ण सलारिया ने BJP के कैंडीडेट उन्होंने खिलाफ है कि इन्होंने कोई फैक्ट FIR के मुतलक आपके नॉमीनेशन फार्म के नहीं दते है। वो असी सारा जो भी कानून के मुताबिक है इन सारा रीड करके एग्जामिन करके जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई अगली होगी असी करा। नहीं वो सारा ला पढ़ के पता चलेगा, हजे इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग।